को भटकाने काम नहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री बिजेश पाठक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तो मेरे भाई की तरह हैं और हम उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अब से पहले वो जिस पार्टी में रहे हमने उस दल में काम किया, तो मेरे ऐसा नहीं, राजनीति में किसी बुरे संबंध नहीं होते हैं। तो मेरे, मैं तो मुख्यमंत्री को बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो अलग बात है कि उनके बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो जन विरोधी है, उनकी भाषा ऐसी है जिसको लोकतंत्र में कोई जगह नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, उनको अपनी सरकार, जनता ने बहुमत दिया, चलाएं। और किसको सुरक्षा नहीं देनी है, किसको देनी है, तो सरकार को तय करना है। मगर मैं, अब तो पुलिस सुरक्षा में हत्या हो रही है, अपने अतीक और अशरफ भाई की हत्या के बारे में देखा किस तरह से हुई। पुलिस ने डिफाइन कर दिया, जस्टिफाई किया कि अपराधी थे, माफिया थे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। फिर संजीव जीवा की हत्या, चलो उनको उनको भी आप कर दोगे जस्टिफाई, आप चंद्रशेखर को कैसे जस्टिफाई करोगे? पिकेट 20 मीटर पे पिकेट है, पुलिस खड़ी है, और क्या इंटेलिजेंस है? अब इतने हमारे सामान्य नेता हैं रास्ते में, इनके साथ कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या नेता घर में छिप जाए, लोहे के बॉक्स में बंद हो जाए? तो जनता का आदमी जनता के बीच रहता है,